एजुकेशन की दुनिया में जितनी भी तहक़ीक़त जो कि हमारे पास अब मौजूद हैं उनमें से जो कंटेम्प्रेरी कुछ रिसर्च हैं कुछ ऐसी फाइंडिंग्स हैं जो कि कुछ पिछली दहाइयों में की गई और जिनका कि डायरेक्ट हमें ताल्लुक़ क्लासरूम के साथ लर्निंग आउटकम्स के साथ और ऑब्जेक्टिव्स के साथ नज़र आता है उसमें से एक अहम रिसर्च है बहुत इंटरेस्टिंग फ़ाइंडिंग्स हैं जिनको कि हम मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के नाम से जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थेरी हावर्ड गार्डनर ने पेश की जो कि जिन जिनका के नज़रिया ये था कि हर इंसान में मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट करती हैं लेकिन उसकी डोमिनेंट टाइप जो भी इंटेलिजेंस की डोमिनेंट टाइप होती है और वो कौन सी टाइप्स हैं हम अभी देखते हैं उसमें से जो भी डोमिनेंट होगी वो डिफ़ाइन करेगी कि उसकी पर्सनालिटी टाइप कौन सी है वो किस तरह के लर्निंग आउटकम्स को अपनी ज़िंदगी में बेहतर तौर पे हासिल कर सकता है कहाँ पे एक्सेल कर सकता है कौन से प्रोफेशन में कौन से इन्वामेंट को वो ज़्यादा तौर पर इंजॉय कर सकता है तो ये सारा का सारा ताल्लुक उन्होंने उसकी डोमिनेंट इंटेलिजेंस टाइप के साथ उसको लिंक करके किया वो कहते हैं कि आई एम हंड्रेड परसेंट कन्वेंस्ड That if I were to come back to Earth in fifty years, people would laugh at the idea of uniform education. He was strongly, strongly against the concept of uniform and he is strongly against the concept of uniform education because one frame cannot be befitting for everybody. So her every and Sank, individual mind frame, individual mindset. और उसी के मुताबिक उसका मॉडल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए दिस हैज़ लेड टू लॉट ऑफ डिबेट इन द रिसर्च क्योंकि कहाँ तक मुमकिन है कि हम इतना ओपन एंडेडनेस एजुकेशन में रख सकते हैं या नहीं स्टैंडर्डाइजेशन और हमारी कमिटमेंट एज एजुकेशनस्ट जब हम इतनी डाइवर्सिटी को डील करते हैं तो टू वट एक्सटेंट वी कैन रियली इंश्योर सर्टन लेवल ऑफ अचीवमेंट विद इन एवरी ह्यूमन बींग रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस और एनी अदर सरकमस्टांसिस हम उसको कहाँ तक पूरा कर सकेंगे अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म कम्प्लीटली या स्लाइटली या मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म एंड ओपन एंडेडनेस के साथ कोई मॉडल ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट ना करता हो हाउएवर हार्वर्ड का गार्डनर uh, का जो बिलीफ है वो यही है कि वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस एक्सट्रीमली डाइवर्सिफाइड ग्लोब जहाँ पर कि हर इंडिविजुअल की अपनी एक आस्पेक्ट है अपनी एक टाइप है 1980s में एंड एग्जैक्टली exactly 1983 में गार्डनर uh, ने जो बुक लिखी फ्रेम्स ऑफ माइंड उसके तहत उन्होंने uh, कुछ ऐसी इंटेलिजेंस की और uh, उसकी डेफिनेशन पेश की और उसमें उन्होंने कहा कि एट टाइप की इंटेलिजेंसेस हैं जो कि हर इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करती हैं और वी ऑल हैव अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंटेलिजेंसेस सो वी डू हैव ऑल एट इंटेलिजेंसेस जो कि 1983 तक उन्होंने या 1980s के में उन्होंने जितनी भी तय की 83 एटी थ्री में एटी फाइव एटी एट में तो उसमें उन्होंने आर्ट का हमें टाइप से इंट्रोड्यूस करवाया कि एवरीबडी हैज़ टाइप्स और हमारे में वो एट टाइप की इंटेलिजेंसेस कौन कौन सी हैं गार्डनर के मुताबिक उन्होंने कहा कि सबसे पहले हर इंसान के अंदर जो इंटेलिजेंस टाइप है वो लॉजिकल है दे लाइक टू सी द रीजन्स तो so, वो लॉजिकल होते हैं सीक्वेंसेस कॉज एंड इफेक्ट को देखने की एहलीत हर इंसान में मौजूद होती है और इसमें इस तरह के जो लोग हैं वो साइंस में एक्सेल कर सकते हैं मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हैं जिसमें भी ये होगी ये वाली स्किल ज़्यादा शार्प होगी दूसरी जो इंटेलिजेंस टाइप्स हैं उसमें लिंग्विस्टिक्स का उन्होंने जिक्र किया कि लिंग्विस्टिक्स यानी कि वो वर्ड स्मार्ट होते हैं अल्फाज को समझने समझाने की सहलियत एहलीत रखते हैं ये इंटेलिजेंस हमें ये सब कुछ करने में मदद देती है थर्ड इंटेलिजेंस टाइप जो कि हर एक में मौजूद है वो इंटरपर्सनल है यानी लोगों में घुलना मिलना उनसे बातचीत करना उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टाइप है इंट्रापर्सनल पर्सनल में हम अपने या किसी एक यूनिट के और रमूज जान सकते हैं सेल्फ के बारे में हम बेहतर तौर पे समझ सकते हैं स्पेशल uh, में वो स्पेसेस जो नेचर से लिंक्ड है कलर से लिंक्ड है उसके साथ तस्वीरों के साथ उसका है जो कि आप विजुअल जिसको आप देख सकें आंख से देख के अप्रीशिएट करें ग्राफ्स को देखने की अहलीय पिक्चर्स को देखने की अहलीत कलर स्कीमिंग की अहलीत तो किसी हद हाँ तक वो कहते हैं कि ये सब इंसानों में मौजूद है बॉडीली काइनेस्थेटिक वो हैं जो कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सब इंसानों में भी उनके कहने के मुताबिक ये अहलीत भी मौजूद होती है म्यूज़िकल रिदम को देखने की अहलीत होती है महसूस करने की अहलीत होती है रिदम को मौसीकी को नेचुरलिस्ट वो हैं जो कि फितरत के साथ और ओपन इन्वायरमेंट्स में जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और ये सभी के सभी जितनी इंटेलिजेंस टाइप्स हैं आ ये गार्डनर के मुताबिक गार्डनर की तहकीक के मुताबिक ये सब के सब लोगों में मौजूद होती हैं लॉजिकल को नंबर स्मार्ट के नाम से भी जाना जाता है लिंग्विस्टिक को वर्ड स्मार्ट के नाम से बॉडीली लिकाइनास्थेटिक को बॉडी uh, स्मार्ट के नाम से जाना जाता है म्यूजिकल को म्यूजिक स्मार्ट से स्पेशियल पिक्चर स्मार्ट इंटरपर्सनल पर्सन स्मार्ट इंट्रापर्सनल माई सेल्फ स्मार्ट एंड नेचुरलिस्टिक नेचुरलिस्ट को नेचर स्मार्ट के नाम से जानते हैं